को हम चाय पिलाते हैं। और डॉक्टर साहब, आज का क्या टॉपिक है? आज के टॉपिक जो है जेल साइंसेस के जो कल रह गए थे वही चीजें हैं। कल हमने बात कर रहे थे समुदाय हीलिंग एनर्जी पे, उसकी लेवल्स पे, और हम बात कर वो लेवल को, हर लेवल एक पूरी दुनिया है। और दूसरी बात ये है कि लेवल्स पे हम बात कर रहे थे, और एक बात उस पर कर रहे थे कि HMF के जो लेवल्स है, HMF क्या है, हमने ये बयान किए थे कि HMF क्या है और समुदाय क्या है। आज हम उसके लेवल्स पे मज़ीद बात करेंगे। समुदाय लेवल 1 से हम मामूली बीमारियों का इलाज करते हैं, थैंक यू, और समुदाय लेवल 2 से हम नफसियाती बीमारियों का इलाज करते हैं। जितने भी नफसियाती बीमारियां हैं, खौफ, बेजा खौफ, अनजाना खौफ, और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, चीनी ये है, थैंक यू, अच्छा, तो बहुत सी बीमारियों का इलाज इसमें मुमकिन है। पहले लेवल में, दूसरे लेवल में नफसियाती बीमारियों का इलाज। तो नफसियाती बीमारियां जितने भी है, खौफ है, बेजा खौफ, अनजाना खौफ, टेंशन, डिप्रेशन, आजकल स्ट्रेस और ऐसे बेजा टेंशन जो लोगों को होता है, बेचैनी जिसे कहते हैं, ये बड़े मकसद आजकल हुई है, क्योंकि दुनिया मशीनी मसनूई है, बहुत बिजी रहते हैं इंसान, कंप्यूटर की तरह बन गए, एक मशीन के पुर्जे की तरह बन गए इंसान, बहुत परेशान है। अगर आप काम ना भी करता है तो भी परेशानी होता है, काम करता है तो भी परेशानी होता है, इंसान स्ट्रेस में आ जाता है, टेंशन डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में इंसान को कोई ऐसा नेचुरल तरीके की ज़रूरत होती है, जो कि वो दवाई से भी बेजार हो गए हैं, और दवाई लेने से भी लोग उसे आदि हो जाते हैं। फिर ऐसा ऐसा आप दवाई लेंगे नींद के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आदि हो जाएंगे, फिर हर रोज़ आपको लेनी पड़ती है। तो समुदाय हीलिंग ऐसे है जो कि आपके साथ है, लेवल 2 से आप अपने जितने भी नफसियाती बीमारियों का है, नफसियाती उलझन है, इलाज होता है इसमें, टेंशन डिप्रेशन, बल्कि क्रोनिक डिप्रेशन का इलाज है समुदाय 2 में। और समुदाय 3 में हम उस बीमारियों का लिक्विड्स में करके एनर्जाइज करके लिक्विड्स को, और इन्वायरमेंटल जो होती है, जैसे नेगेटिविटी, आपने एक दिन बात किए थे कि क्या ये ऐसा चीज़ होती है जिस तरह नेगेटिविटी है, बिल्कुल नेगेटिविटी होती है, जिस तरह जीन भूत के है या नजरी बद है, जादू है। लेवल 3 से ऐसा नेगेटिव बुरी चीज़ों का आप भगा सकते हैं, चुड़ैलों को भगा सकते हैं, भाग गई। अच्छा, जब भी चुड़ैलों का बात आ जाते हैं, ये लेडीज हंसते क्यों हैं? क्योंकि लेडीज भी तो आदि तो होती है ना। अच्छा, मैं वही बात करूं कि जब भी मैं चुड़ैल की बात करता हूं तो लेडीज जहां पर होते हैं वो हंस पड़ते हैं, है ना? सारी अब देखिए ना, पता नहीं, अब पता नहीं वो क्या देखते हैं अपने आप में। तो ये हकीकत में नेगेटिविटी का हम दूर कर सकते हैं। अगर इस चीज़ें ना भी हो, नफसियाती हमारी ये होते हैं कि नेगेटिव ख्यालात जब होते हैं इंसान, नेगेटिव ख्यालात आपकी ज़िंदगी को ऐसा बना देते हैं जैसे कि जीन भूत और जादू की तरह इंसान की ज़िंदगी को घेर लेते हैं, एक नेगेटिविटी का एक खोल बन जाते हैं हमारे इर्द गिर्द, जिसमें हम रहते हैं, खुश नहीं है, फ्रेश नहीं है, तरोताज़ा नहीं है, सुबह फ्रेश नहीं उठते हैं, चिड़चिड़े हैं, बहुत बुरी हालत है, और जो है ना, हमें हर जगह पे जाते हुए परेशानियां साथ ले जाते हैं। उसका वजह ये होते हैं कि हमारे जो अंदर के नेगेटिव पावर्स हैं वो बाहर आते हैं, हमारी खोल बनता है, वो एक खोल बन जाते हैं। तो समुदाय 3 के ज़रिए हम नेगेटिविटीज़ को रिमूव कर सकते हैं, अपने बिजनेस के प्लेस में या घर में हो, कहीं पे भी हो, हम नेगेटिविटीज़ को रिमूव कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि समुदाय 4 में है, समुदाय 4 में हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, दूर से जहाँ पर भी कोई शख्स हो हम डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं, यानी डिस्टेंस एनर्जी हम सेंड करते हैं, और कोई शख्स जहाँ पर भी हो, हमारे रिश्तेदार हैं, कहीं भी हैं, हम उसको फील करा सकते हैं एनर्जी को, और उनकी ट्रीटमेंट होती है बाकायदा सही तरीके से। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है इस, ये जो भी हमें डॉक्टर साहब जील साइंसिस के बारे में बता रहे हैं और समुदाय हीलिंग के बारे में बता रहे हैं, वो ये
कि आपको आप खुद अपना इलाज कर सकते हैं, आप खुद अपना इलाज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास, और ये ना आपसे कोई ले सकता है ना कोई आपसे छीन सकता है, हमेशा तहायात आपके साथ। डॉक्टर साहब, आप हमारी हुकूमत को क्यों नहीं क्लासेस देते? हमारी गवर्नमेंट को भी क्लासेस दे ताकि वो अपना इलाज खुद कर सके। बिल्कुल, हम लगी हुई है, इंशाल्लाह दे देंगे हम। लेकिन वो तो इतना माशाल्लाह अच्छे ट्रीटमेंट कर रही है लोगों के, तो लोगों को पागल बना रहे ट्रीटमेंट का, वो तो मजीद उनको खराब कर रहे हैं। इतना अच्छे हीलिंग कर रहे हैं अपने आप का, तो हम बात ये होते है कि उन्हें चाहिए कि ऐसे शोबों को हीलिंग नहीं कर रहे डॉक्टर साहब, पीलिंग कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि ऐसे शोबों को जो कि हमारी ज़रूरत है हर इंसान को, बिहेवियर को चेंज करने के कुछ ऐसे टेक्निक्स जो जिल साइंसेस में होते हैं, कुछ ऐसे साइंस को कुछ ऐसे कुछ उन्होंने करने चाहिए, इस पर उन्होंने फोकस करने चाहिए, ताकि ऐसे हमारे हर शहर में हर जगह पे हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हो जो कि इंसान को ये बताएं कि आप वो ताकत हैं, आप डिपेंड ना करें यूरोप अमेरिका किसी और चीज़ पे डिपेंड ना करें, आप अल्लाह ताला ने आपको सारी ताकतें दी हुई हैं, आप उसको अप्लाई करें, थोड़ी सी कोशिश करें, अनसीन पावर्स पे जो इनविजिबल पावर्स है उस पर यकीन रखो, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब एक कॉलर भी साथ में बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबाहत, मैं सदफ बात कर रही हूँ कराची से। जी सदफ, कैसी हैं आप? कैसी हैं सबाहत, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है सबाहत। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना था। प्लीज पूछे। जी पूछे। डॉक्टर साहब हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि मेरे एक कज़न हैं जो नशे के आदि हैं ना, बाकायदा ड्रग्स लेते हैं, उन्होंने काफ़ी मरतबा कोशिश की कि उस नशे से जो है निजात उन्हें मिल जाए, मगर वो कामयाब ही नहीं होते हैं ना, और फिर अपनी दोबारा वही पुरानी रूटीन पर आ जाते हैं, कुछ अर्सा तो छोड़ देते हैं मगर फिर पुरानी अपनी रूटीन पर आ जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि उन्हें इस बीमारी से निजात मिल जाए, क्या समदा हीलिंग एनर्जी में इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा बता दें आप मुझे। जी मैं बताता हूँ आपको। जी समुदाय हीलिंग एनर्जी में जो है इसका इलाज है, जितने भी यानी कोई भी नशीली चीज़ है, तंबाकू नोशी है, समुदाय हीलिंग में है और HMF दोनों में है, हम अपने नापसंदीदा आदत को 100% छोड़ सकते हैं। आप आए हैं मेरे पास आए, इंशाल्लाह इसका बिल्कुल हल है, 100% है। बल्कि अगर आप खुद सीखेंगे समुदाय हीलिंग और HMF को, आप खुद छुड़वा सकते हैं आदत को। अगर वो नहीं आते हैं मसलन, वो इसके लिए तैयार नहीं है, कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारा ये सही है और हमारे लिए ज़रूरी है ये चीज़, तो आप खुद छुड़वा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये चीज़ आपके लिए अच्छे नहीं है, आपकी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं, आपकी सेहत को ख़राब करते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना, जो जानलेवा चीज़ें उसको क्यों आप लेंगे। तो जब आप उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताएंगे उनको, ऐसा ऐसा वो आदि तैयार हो जाएंगे अपने इलाज करने के लिए। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बिल्कुल, आप तशरीफ़ ले आए इंशाल्लाह इंस्टीट्यूट, और 100% इसका हल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू सदफ़, कॉल करने का शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जी,